नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि सैमसंग के ज़्यादातर सभी मोबाइल में होता है फ्रेंड्स। मैं एक्चुअली में मैं आपको कर दिखाऊंगा फ्रेंड्स सैमसंग गलेक्सी नोट 10 प्लस में, लेकिन ये सेटिंग एक्चुअली में सभी सैमसंग के सेट में होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही बताऊंगा कि किस तरह आप अपने किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक्चुअली में क्या होता है फ्रेंड कि कई ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि अपने मोबाइल में अलग से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए आप अपने मोबाइल में किसी का भी कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड ये सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स आगे बढ़ने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दें दोस्तों। ये सेटिंग अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसके लिए सबसे पहले आप अपने कॉलर डायल में चले फ्रेंड, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग कर मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड। तो देखिए मैं 198 पे कॉल करता हूँ फ्रेंड, उसके बाद यहाँ से कॉलिंग बटन दबा दें फ्रेंड। जैसे ही एक कॉल लग जाएगा फ्रेंड, तो ये जो देखें जो 3 डॉट है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें फ्रेंड। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप रिकॉर्ड पे क्लिक करें फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा फ्रेंड। तो इसके लिए फिर इसको कंफर्म कर दे फ्रेंड। कंफर्म होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा कॉल रिकॉर्डिंग ये हो रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद अपने फाइल में जाकर कॉल रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं फ्रेंड। तो ये सेटिंग आपको कैसा लगा कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखे फ्रेंड एंड वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए वाय दोस्तों।